बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद जारी है, तो वहीं बिहार में दो चरण के मतदान भी खत्म हो चुके हैं और बिहार में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान अभी होना बाकी है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में लगातार हर एक राजनीतिक दल के नेता बिहार में घूमकर चुनावी प्रचार प्रसार जोरों शोरों से कर रहे हैं, तो इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिहार के लौरिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा के दौरान जेपी नड्डा ने मंच से लगातार विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने महागठबंधन को जमकर खरी खरी सुनाई। साथ ही साथ जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी जमकर वार किया। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने कहा कि लॉकडाउन में जंगल राज के युवराज बिहार से गायब थे। साथ ही साथ जेपी नड्डा ने लगातार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जमकर घेरा। और क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने, आप इस वीडियो में सुनिए। आप बताइए, ये राहुल गांधी और ये तेजस्वी, ये दोनों कोरोना के संक्रमण के दौरान यहाँ थे, आए थे, कहाँ थे? ये दिल्ली बैठे थे, इनको यहाँ डर लगता था कोरोना से, तेजस्वी बाबू को, और बाद में आकर के यहां बोलने लगे कोरोना में क्या हुआ, कोरोना में क्या हुआ। अरे कोरोना में चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर लगने की बात हुई, चाहे दवाई की बात हुई, चाहे दुआ की बात हुई, चाहे उनके विकास की बात हुई, चिंता की तो नीतीश जी की सरकार ने की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की। इस बात को समझना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने की। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव में लोग गुमराह करने की कोशिश करेंगे, बरगलाने की कोशिश करेंगे, आपको नजर ठीक रखनी है, आपको ध्यान में रखना है। सड़क कौन लाया, हॉस्पिटल कौन लाया, मेडिकल कॉलेज कौन लाया? एक मेडिकल कॉलेज का मतलब 500 दवाई की दुकानें होती हैं, एक मेडिकल कॉलेज का मतलब 6 डायग्नोस्टिक सेंटर होता है, एक मेडिकल कॉलेज का मतलब होता है 500 बिस्तरों का अस्पताल, एक मेडिकल कॉलेज का मतलब होता है जिले में निकलने वाले नए डॉक्टरों की संख्या जिले से निकलेगी। इस बात को समझना चाहिए।